रही अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपसे आज एक अनाउंसमेंट करना चाह रही हूँ। जो हमारा फिल्म किचन है उसका नाम हम चेंज करकर रूही किचन रख रहे हैं। अब आप मेरी रेसिपी रूही किचन के नाम से देखेंगे। और ये आज जो मैं सिखाना जा रही हूँ आपको, पूछे पूछे बेसन का सालन, टूटा पूटा बेसन का सालन है। इसके अंदर जो चीज जाएगी बेसन, ये 1.5 कप है, 3 अदद इलायची बड़ी, लौंग, गोल मिर्च, दालचीनी, हरी मिर्चें 3 अदद। इसके अंदर से हमने बीज निकाल लिए, फेवरना बहुत तेज हो जाता है। धनिया, हरा धनिया, 2 गड्ढी प्याज को हमने चॉप कर लिए, रेगी मिर्च को हमने ग्राइंड कर दिया है। ये देखिए, ये आटा है जिसको हमने भून लिया है, भूना हुआ है ये आटा। टमाटर का पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट, कुटी मिर्चें, ये है 1/2 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्चें, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/2 टीस्पून काला नमक। देखिए, ये जो है बेसन है, इसके हम इसका बैटर बना रहे हैं। इसके अंदर 1/2 चम्मच पिसी हुई मिर्चें, 1/2 से भी बिल्कुल पौ हिस्सा काला नमक, पानी का सोडा, हल्दी पाउडर, नमक, इसमें से हम थोड़ा और मिर्ची मिला देते हैं, थोड़ी सी और थोड़ी सी मुझे कम लगता है। इसमें 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिए और धनिया पाउडर और अदरक, सॉरी ये जीरे को हमने भून कर ग्राइंड कर दिए, हमने डाल दिए 1/2 टीस्पून हम इसका अच्छी तरह इसको मिक्स करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये गाढ़ा नहीं होगा, थोड़ा सा पतला होगा। अच्छी तरह इसको हम मिक्स कर रहे हैं। देखिए, अच्छी तरह हम इसको मिक्स कर रहे हैं। ये पकौड़ों जैसा नहीं होगा, इसको थोड़ा सा हल्का वो रखेंगे, पतला रखेंगे, गाढ़ा नहीं होगा। इसमें हमने 1 टेबल स्पून घी या ऑयल डाल दिए, इसको मिक्स किया हमने। इसमें हरा धनिया जाएगा, अब हम इसको इस तरह करके रख देंगे ढककर। अब हम उधर जाएंगे, हम ये आपके तैयार है। अब हम चूल्हा जलाते हैं, इसमें हम अपने सॉस पैन में डाल दें,
आप जो दिल करे आपका कुकिंग ऑयल जो भी वो डालिए। घी गर्म हो चुका है, हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालें। भून रहे हम, प्याज डाल रहे हैं, सॉफ्ट की हुई प्याज है। हम प्याज और अदरक लहसुन के पेस्ट को, प्याज को हमने चॉप किया है, चॉप करके अच्छी तरह भून रहे हैं। तो हम इसको फ्राई कर रहे हैं अच्छी तरह। अब इसमें हम हरी मिर्चें डाल रहे हैं, कटी हुई जो हरी मिर्चें थी लेकिन इसके अंदर से हमने बीज निकाल लिया था। अभी इसको थोड़ा सा हम भूनते रहेंगे, थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए प्याज का, हल्का करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। आप लोग मुझे बताया करें कि मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है क्या नहीं, आप लोग बनाया कीजिए जरूर। ये देखिए, कमेंट्स किया करें कि अच्छा बनी है, और इससे अच्छी अच्छी मैं आप लोगों के लिए रेसिपी दूंगी। इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डाल रहे हैं, फ्लेम थोड़ा सा हल्का कर रहे हैं। देखिए हमने इसको भुना, फिर थोड़ा सा पानी डालें। अब हम जो आपको बता रहे थे मसाले वो डाल रहे हैं, धनिया पाउडर, कुटी मिर्ची, काला नमक, सीवी मिर्ची, नमक, हल्दी, हमने इसमें डाल दिया। अब इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे, जले ना थोड़ा सा पानी डालेंगे, थोड़ा सा भूनेंगे पहले। हल्की फ्लेम पे हम जो भून रहे हैं इसको, अब थोड़ा सा पानी डालेंगे, थोड़ा सा देखिए थोड़ा सा इसका रंग चेंज होगा, लेकिन जलाए नहीं, मसाले को जलाना नहीं चाहिए। ये हम डाल रहे हैं टमाटर पेस्ट। देखिए आज मेरे पास ना ज्यादा लाल टमाटर नहीं था, लेकिन खैर टमाटर को टमाटर है, कलर ज्यादा रेड नहीं है। ये हमने डाला है, कभी इंसान गोश्त खाकर और मुर्गी खाकर थक जाता है, तो इसके लिए हल्के फुल्का सालन बनाने के लिए ये सब में अच्छी चीज है।
थोड़ा इसको भूनेंगे अच्छी तरह। टमाटर भी कच्चे पन आ रहे हैं, अच्छी तरह हम भून रहे हैं। देखिए ये सालन की ग्रेवी तैयार हो रही है, ग्रेवी तैयार हो रही है। ये इस तरह अब हम इसमें जीरी मिर्च डाल देंगे। थोड़ा सा इसको भूनेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे। हम इसका कवर कर देंगे। ये देखिए किस तरह भूना गया है ये शरीर को, अब ये भून चुका है। अब इसके अंदर हम ये बिल्कुल भून चुका है, देखिए इसके अंदर हम पानी डाल दें। देखिए अब हम इसमें पानी डाल दें। थोड़ा सा ये गाढ़ा नहीं होगा, इसको पानी से हम 2 गिलास हम डाल देंगे। आप लोग अपने हिसाब से डालिएगा। देखिए बॉइल आ जाए। देखिए जो हमने आटे को भूना था इसके अंदर हम डाल दें। जल्दी जल्दी इसको हिलाएंगे क्योंकि गुठलियां ना बन जाए। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। इस तरह गुठली ना बन जाए। एक चम्मच हमने डाले, थोड़ा सा और डालेंगे हम। इसको जल्दी जल्दी चलाएंगे ताकि आटे की गुठलियां ना बन जाए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इसमें हम थोड़ा पानी मिक्स करेंगे। अब हम इसको रख देंगे। देखिए अब हमने ये बिल्कुल माशाल्लाह अच्छा बना है, कोई गुठली विटली नहीं है। अगर आप लोगों से गुठली बनती है तो आप इसके अंदर ग्राइंडर कर दीजिएगा, ग्राइंड कीजिएगा थोड़ा, तो हैंड ग्राइंड से कीजिएगा तो वो आपके लिए सही हो जाएगा। और ये देखिए अब इसमें जा रहे हैं गरम मसाला। अब हम इसको दम पे छोड़ देंगे। देखिए हमने उस कड़ी को हमने दम पे छोड़ा है। अब हम इसमें फ्राई पैन चलाएंगे और इसके अंदर हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे।
थोड़ा सा गर्म हो जाए, उसको हम इस तरह करेंगे। अब हम इसमें इसका बैटर डालेंगे। ये देखिए, थोड़ा हल्का रखेंगे इसकी आंच, क्योंकि अभी इस तरह करेंगे। हल्की आंच पे रखेंगे। देखिए, जैसे हम ऑमलेट तैयार करते हैं, ऑमलेट को फ्राई करते हैं, इसी तरह हम इस बैटर को बना रहे हैं। हल्की आंच पे पक रहा है ये, बिल्कुल ऑमलेट की तरह बनेगा ये। फिर हम दोनों साइड से इसको फोल्ड कर देंगे। अभी ये नहीं हुआ, अभी हम इसको फोल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी बनानी है। देखिए, जब हमने ऑमलेट की तरह जो फ्राई किया था उसका बैटर, तो इस तरह फ्राई करना है आपको। अब इसके बीच में इसको हम कटिंग करेंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इसमें लहसुन डाल देंगे। ये देखें, ये इस तरह हम बनाते जाएंगे और इसकी कटिंग करेंगे। अभी इसको फिर हम सालन में डालेंगे। देखिए, अब इसकी ग्रेवी तैयार है। देखिए कैसी गाढ़ी सी हो गई है। अब हम इसके अंदर जो हमने बनाया था सुंदर मान रही, इसको थोड़ा सा हम डालते हैं। डाल दें, सारे हम इस तरह डाल देंगे साइड साइड में, और 5 या 10 मिनट इनको पकने देंगे। इसके ऊपर हम थोड़ा सा धनिया मिर्च डाल देते हैं, सबके अच्छे 5 से 10 मिनट तक हम इसको और अच्छी तरह पकने देंगे, फिर आपको डिश आउट करके बताते हैं। देखिए, ये बिल्कुल उल्टे पुलटे की ग्रेवी बिल्कुल तैयार है, और ये सालन है, बहुत अच्छा बना हुआ है। आप लोग ट्राई कीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट्स कीजिएगा, और देखें कितना अच्छा बना हुआ है। और मुझे अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं फिर दूसरे रेसिपी के साथ। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।